सनातन धर्म में बहुत महत्व रखने वाले सावन के महीने में भक्त समर्पित रूपों से देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह शुभ महीना जप तप और ध्यान जैसी विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए उत्तम माना जाता है। हालांकि सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि वे चंद्रमा से जुड़े हैं, जो भगवान शिव के नियंत्रण में माना जाता है। सोमवार के दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा की कृपा होती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। माता पार्वती ने भक्तों के लिए स्वयं 16 सोमवार का व्रत रखा था। भागलपुर में भी सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर सहित जिले के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल की कामना की। वहीं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रद्धालु अजगैबीनाथ शिवलिंग के दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए काफी उत्साहित दिखे। शिवालय हर हर महादेव और बोलबम के नारों से गूंजता रहा। मंदिर के पुरोहित ने बताया कि सोमवार को दूसरी सोमवारी पर अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल आज सोमवार पर अमावस्या है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, जिसे सावन की हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें पुनर्वसु नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, साथ ही हर्षण व सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जो रुद्राभिषेक के लिए शिववास भी है, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। आज के दिन महादेव की पूजा अर्चना करने पर 4 गुना अधिक फल मिलता है। वहीं इसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है, खासकर महिला श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट स्थित अजगैबीनाथ धाम का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान के बाद अजगैबीनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद वह कांवड़ लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए थे, जिसको लेकर इस मंदिर का विशेष महत्व है। साथ ही देश के कई राज्यों के लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। हमारी अमावस्या होने के कारण भीड़भाड़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छा चलता है, और श्रद्धा का सैलाब है, सुखदायी है। और आज से जो है अधिक मास लग गया, उसके बाद फिर 15 दिन बाद फिर श्रावण लगेगा, शुद्ध मास श्रावण। उस तरीके से कोई ज़्यादा विशेष नहीं पड़ेगा, समय लंबा खींच गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और श्रद्धालु लोग जो है अधिक मास में पूजा पाठ होता ही रहेगा, श्रावण 2 महीना का माना गया, 2 महीना चलेगा। यह थोड़ा लंबा समय खींचने के कारण जो है प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। सावन माह की दूसरी सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा तट पर कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले कांवरियों ने नमामि गंगे घाट और सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान कर बाबा अजगैबीनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद 108 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा शुरू की। सावन की दूसरी सोमवारी पर कोलकाता के भूतनाथ से आए 15 युवाओं की टोली आकर्षक कांवर लेकर बाबा धाम रवाना हुए। कांवरियों ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए अलग अलग तरह के कांवड़ बनाकर ले जाते हैं। इस बार उनका कांवड़ 70 किलो वजन का है, जिस पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लगा है। कांवड़िया नीरज शाह ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है, जिसके लिए वह अपनी टोली के साथ पिछले कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए कांवर लेकर जाते हैं। इसके अलावा भी कच्ची कांवरिया पथ पर भगवान भोलेनाथ के दीवाने भगवान शिव का वेश धारण कर बाबा धाम जा रहे हैं, जिसको देखने के लिए भक्तों की भीड़ कच्ची कांवरिया पथ पर दिन भर लगी रहती है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव के समीप बाइक सवार ने एक मजदूर को जोरदार ठोकर मार दिया। घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आनन-फानन में परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान देर रात मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान तिलकपुर गाँव निवासी 40 वर्षीय दिलीप मंडल के रूप में हुई है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद लाश को लेकर सुल्तानगंज चले गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से मुआवजे की मांग को लेकर कुछ देर
NH-80 को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज BDO मनोज कुमार मुर्मू, CO अमित राज एवं थानाध्यक्ष प्रियरंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद जाम को हटाया गया। दुर्घटना में मृत्यु के लिए परिवहन विभाग की तरफ से 5 लाख का जो मतलब अनुदान है वो दिया जाएगा और मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत 1000 रुपया है वो दिया जाएगा। BPL में अगर हैं तो 3000 रुपया का वेतन सिस्टम के तहत दिया जाएगा और हम लोग जॉब कार्ड दिखवा रहे हैं, जॉब कार्ड अगर मिल गया उनमें अगर हैं तो श्रम विभाग की तरफ से 1 लाख रुपया का अनुदान वहाँ से मिल जाएगा। भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित 10 कोर्ट भवन में सोमवार को मोटर वाहन अधिनियम पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नालसा नई दिल्ली एवं बिहार राज्य सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिस और वकीलों को मोटर वाहन अधिनियम में नए बदलाव के बारे में जागरूक करना था, जिसमें वक्ताओं ने 48 घंटे के भीतर दुर्घटना रिपोर्ट दर्ज करने और 10 दिनों के भीतर दावा प्रपत्र जमा करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस से 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपने का भी आग्रह किया ताकि दुर्घटना में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके। इस दौरान वक्ताओं ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि DLSA जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का समापन DLSA भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव, DLSA भागलपुर के सचिव, सभी थाना प्रभारी, बीमा मामलों के वकील और दावा मामलों के वकील मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम था ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम था, इसमें सारे थाने के SHO को बुलाया गया था, इंश्योरेंस कंपनी के वकील और क्लेम केसेज के वकील जो रहते हैं उनको बुलाया गया था। इसमें बालसा के द्वारा एक डायरेक्शन आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, एक सिविल अपील नंबर 9322 ऑफ 2022, उसके आलोक में कहा गया था कि MACT के जो भी केसेस हैं उसमें अमेंडमेंट किया गया है और उसका जो भी बदलाव किया गया है उसमें सारे थाना की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें डिस्पोजल जल्दी करवाने के लिए उनको गाइडलाइन दिया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करें कंसर्न कोर्ट को, 10 दिन के भीतर उनके पीड़ित जो भी होंगे उनको बताएंगे उनके अधिकार क्या हैं, वो Form 2 में उनके द्वारा भरा जाएगा। उसके अलावा ड्राइवर्स जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनके द्वारा भी Form 3 भरा जाएगा। भागलपुर के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर सोमवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भूमिहीनों को आवास और खेती करने के लिए जमीन देने, भूमिहीनों और लाचार लोगों को अतिक्रमण के नाम पर परेशान नहीं करने, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन देने, ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने, शिक्षकों को राजस्व कर्मी का दर्जा देने, रसोईया और साफ सफाई कर्मी के वेतन बढ़ाने समेत 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन जारी रहा। इस मौके पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार, संजय यादव, लक्ष्मीकांत सनोज यादव, गुरु रविदास, दिलीप मंडल, विकास कुमार के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना जो बिहार के गरीब जो भूमिहीन है उसको आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन चाहिए और जो भूमिहीन ऐसे किसान हैं जो खेती करने के लिए उनको जो 1 एकड़ जमीन चाहिए और जो आदमी को पर्चा मिल गया है दखल आज तक नहीं मिला, अतिक्रमण किया गया है जमीन पर उसको अतिक्रमण मुक्त कर करके पर्चाधारी को जमीन दिलाने का काम सरकार को करना है गरीबों के लिए, और तारी पर जो प्रतिबंध लगा है वो तारी पर प्रतिबंध हटना चाहिए, यही हमारी हम पार्टी की मुख्य मांगे हैं। भागलपुर में पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला अपने बच्चे के साथ सोमवार को न्याय की गुहार लगाने
भागलपुर SSP कार्यालय पहुंची, जहां पीड़ित महिला ने आवेदन देकर ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर का है। इस्लाम नगर की रहने वाली नेहा खातून ने बताया कि 5 वर्ष पहले उसके ही ममेरे भाई ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस बीच दोनों के रिश्ते अच्छे थे, जिससे महिला को एक पुत्र भी हुआ। प्रीता ने कहा कि शादी के 1 वर्ष बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे, जब वह 3 माह की गर्भवती थी और दहेज नहीं दे पाने पर उनके साथ बेरहमी से पिटाई भी की जाती थी। पीड़ित महिला ने अपने जेठ देवर शास अनवरी खातून पर गले में फंदा डालकर हत्या करने का भी आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पीड़िता नेहा अपने माता पिता के घर इस्लाम नगर चली गई। उसके पिता ने बताया कि वह टोटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने से वह काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद वह अपनी बेटी और उसके 5 वर्षीय पुत्र का पालन कर रहे हैं, जबकि वह नेहा के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वह इस बात से परेशान हैं कि ससुराल वालों को पैसा दे देने के बावजूद कहीं उनकी बेटी की हत्या ना कर दी जाए। इसी को लेकर पीड़िता अपने पिता के साथ सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची और उन्होंने SSP से इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कराकर न्याय की गुहार लगाई, जबकि लड़का किसी भी तरह से अपनी पत्नी और बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरा शादी को 7 साल हो गया, 6-7 साल, और 5 साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास ससुर, जितने भी मतलब भैंसूर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मार पीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी। तो समस्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया। चलो जब कर लिया है बच्चा, गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे। हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो खाओ। तो देखें सर, 6 महीना के बाद इसको ले कर बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था, वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद तो इनको मारा पीटा। तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई तो हम अपना घर चढ़ाए, मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाए उसके बाद रखने लगे। बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजे और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो वहाँ लेके गया। उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिल के शुरू कर दिया। अंक की नगरी भागलपुर में वैसे तो बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनकी कई विशेषताएं भी है, लेकिन भागलपुर में प्राचीन शनिदेव मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको लेकर आज शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पालकी पर शनिदेव को पूरे विधि विधान के साथ नगर भ्रमण कराया गया। साथ ही शनिदेव की प्रतिमा को भागलपुर के श्री गौशाला से निकाल कर खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक होते हुए देवी बाबू धर्मशाला पहुँचा, जहाँ न्याय के देवता भगवान शनिदेव की भव्य पूजा अर्चना व मंगल पाठ किया गया। शनिदेव की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान पूरा इलाका ढोल नगाड़ों और शनिदेव की जय घोष से गूंजता रहा। पूजा अर्चना के बाद महाभोग प्रसाद का भी वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया।